अब डेली एक्सपायरीज हो रही है और इस डेली एक्सपायरीज के हीरो-जीरो के चक्कर में कहीं मेरी बैंक बैलेंस की एक्सपायरी ट्रेंड बन गया वो हीरो जीरो का, कि सबको वो इंस्टेंट मनी चाहिए ही चाहिए लेकिन ऐसी पोजीशन घर पे नहीं लेके जाऊंगी और मैम इसमें हम स्ट्राइक प्राइस कौन सा कंसिडर करें जब ऐसा कुछ हमें दिख रहा है तो एक और है मेरी हेलो वेलकम बैक आज हम फिर से एक और स्ट्रैटेजी के साथ आए हैं जो हम ज्योति मैम से सीखने वाले हैं अब तक आपने हमारे काफी सारे वीडियोस देखे होंगे जो अलग अलग स्ट्रैटेजी पे होते हैं और आप सभी को उस पर काफी ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं उस उसपे लाइक्स आ रहे हैं तो इसी का एक और पार्ट लेके हम आए हैं जिसमें हम ज्योति मैम से एक और स्ट्रैटेजी सीखेंगे और अगर आप इस सीरीज के रेगुलर व्यूअर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगले वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे हेलो ज्योति मैम आज हम आपसे कौन सी स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं नमस्ते फ्रेंड्स मेरे से एक और है मेरी फेवरेट स्ट्रैटेजी ओपन हाई ओपन लो कैंडल्स ओके ओपन ओपन हाई एंड लो कैंडल्स मतलब ओपन और हाई ऑलमोस्ट सेम है ओके okay. और ओपन और लो ऑलमोस्ट सेम है और वो भी अगर वो गैप अप डाउन हो तो मुझे बहुत मजा आता है मैम uh, मतलब इतना अभी समझ में आ नहीं रहा है मतलब थोड़ा अगर आप इस पर क्लैरिटी दे चलिए ठीक तो, है लेट अस से ओपन अगर 315 है और high, अगर थ्री वन फाइव है तो आप क्या कहोगे ओपन इज इक्वल्स टू हाई ओपन एंड हाई सेम हो गया यस yes. तो मैं इसको ओपन हाई भी बोल सकती हूँ yes, ये मेरा मतलब था okay. अब मान लो ओपन इज थ्री वन फाइव एंड हाई इज थ्री वन सिक्स पॉइंट फाइव जीरो मैं इसे कहती हूँ ओपन हाई नियर बाय क्योंकि अप्रोक्सीमेटली हाफ परसेंट को जो है मैं मार्केट hmm. की वोलाटिलिटी और फ्लक्चुएशन में गिन लेती हूँ yes. तो मेरे लिए वो ओपन एंड हाई नियर बाय होता है जहाँ निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी इनका सवाल होता है वहाँ पे हाफ परसेंट नहीं गिना जाता है हाफ परसेंट में तो काम ही खत्म हो जाएगा बाईस तेईस हजार की निफ्टी है उसमें अगर मैं हाफ परसेंट लेने जाऊँ तो काम ही खत्म हो जाएगा बैंक निफ्टी में अगर मैं हाफ परसेंट लेने जाऊँ फोर्टी का तो काम ही खत्म हो जाएगा तो वहाँ पे मैं निफ्टी में जैसे बीस पच्चीस तीस पॉइंट या बैंक निफ्टी में जैसे चालीस पचास पॉइंट ऐसा लगना चाहिए कि ओपन के पास से ही घूम गया मार्केट ओके जीरो पॉइंट वन परसेंट इतने बड़े इंडेक्स ऐसा में। उसमें परसेंटेज में मत लो एक आपको इसमें तो फिर भी चलो आप हाफ परसेंट ले सकते हो लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में थोड़ा आइडिया के हिसाब से बीस पच्चीस तीस पॉइंट ऊपर नीचे निफ्टी में और तीस चालीस पॉइंट पचास पॉइंट बैंक निफ्टी में बिकॉज ये तो ना देखते ही मतलब घूम जाता है ना मार्केट तो चालीस पचास पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए है क्या yes. वो तो आप पलक भी नहीं झपकोगे उसके पहले ही खत्म हो जाएगा कभी कभी तो चालीस पचास पॉइंट दिखते भी नहीं है स्क्रीन के अंदर सर आपका ट्रेड लेके निकल जाता है सही तो वासी. इस तरह से ये चलते हैं तो चालीस पचास पॉइंट इतना वैल्यू नहीं रखते हैं और वैसे ही अगर मैं कहूं ओपन इज इक्वल टू 400 and low is equal to 400. So open is equal to low. Open is equal to 400 and low is equal to around about 398. So, open and low nearby. Nearby. Only this is the difference. Ki this I will call as nearby and this I will call open low. ओपन हाई okay. yes. और ये जब मिलती है बहुत अच्छा काम करती है तो और हुँ. ये अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस में मिल जाए तो कमाल की चीज है अभी ऐसा है ये सपोर्ट है ये रेजिस्टेंस है।, yes. है ये सपोर्ट है ये रेजिस्टेंस है ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है यस। yes. हर रेजिस्टेंस के पास में अगर मुझे इस टाइप वाला कैंडल मिल जाए तो ओके, okay. तो ये ओपन एजुक मैं है। मैं डेली का ही चार्ट्स देखती हूँ और डेली डी दे, डी करके डेली रहेगा डेली चार्ट्स में देखती हूँ व्यूअर्स ने बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है और कई जगह पूछा है कि कैंडल क्लोज होने के बाद ही तो पता चलेगा कि वो ओपन हाई था कि ओपन लो था भाई अगर कैंडल क्लोज तक मैं वेट करती हूँ तब तो तक तो, तो, तो दिन खत्म हो जाएगा फिर आज का तो ट्रेड गया ना तो मैं क्या करती हूँ करीब पंद्रह से बीस मिनट मार्केट का वेट करती हूँ और फिर उसके बाद इसको देखती हूँ और हाई के ऊपर वन परसेंट विल बी माय एसएल

तो विल इग्नोर इट ओके अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आई एम श्योर आप मार्केट में सक्सेसफुली ट्रेड करना चाहते हो अलग अलग टाइप के कैंडलस्टिक और चार्ट पैटर्न समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही पैटर्न्स आपको सही एंट्री और एग्जिट लेने में हेल्प करेंगे ज्योति बुधिया मैम ने अबसर्च डॉट क्लब के टेक्निकल एनालिसिस कोर्स में चार्ट चार्टैटर्न इंडिकेटर्स ट्रेंड लाइन और स्टॉक सिलेक्शन जैसे कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन डिटेल कवर किए हैं अकॉर्डिंग टू आर टेन थाउजेंड प्लस लोनर ये आपके ट्रेडिंग जर्नी को फास्ट ट्रैक करने में काफी हेल्पफुल हो सकता है तो आज ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और टेक्निकल एनालिसिस सीखिए नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो ओनली छोटा मूवमेंट रहेगा दैट इज वन परसेंट टू या वन एंड टू मैक्स टू मैक्स वन एंड टू परसेंट तो हम ट्रेड प्लान करेंगे अगर थ्री फोर परसेंट ओपनिंग में मैंने बहुत बता दिया चार पांच परसेंट बढ़ जाता है तो hmm. वैसे ट्रेड में इग्नोर कर दोगे राइट बिकॉज मूव मूव हाथ से चला गया अब अगर उस ट्रेड को पकड़ूंगी तो रिस्क रिवॉर्ड जो है वो मेरे फेवर में नहीं रहेगा तो hmm. रेजिस्टेंस के पास में ओपन हाई और सपोर्ट के पास में ओपन लो ओके गॉट इट यस मैम तो ये जो कैंडल्स है ये मुझे बहुत पसंद है hmm. लेकिन जो मुझे पसंद नहीं है वो है रेजिस्टेंस के पास में ओपन लो अगर मुझे रेजिस्टेंस के यहाँ पे ओपन और लो मिलता है तब मैं वॉल्यूम देखती हूँ एंड देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट टूमारो इट कैन गिव अ ब्रेकआउट। ओके। आजकल क्या हो गया है जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं लोगों को टेक्निकल एनालिसिस आने लगा है हुँ। तो मार्केट्स में थोड़ी स्मार्टनेस बढ़ जाती है yes. तो मार्केट भी थोड़ा सा और एडवांस चलने लगा है पहले ब्रेकआउट का वेट करता था अभी ब्रेकआउट पे सीधा भाग जाता है या ब्रेकआउट फेल कर देता है बहुत रेयर ऐसा होता है कि हमको ब्रेकआउट के बाद असली चांस मिल जाता है इसलिए ब्रेकआउट के पहले अगर मुझे ओपन विथ वॉल्यूम मिल जाता है तो मैं थोड़े से शेयर्स बाय कर सकती हूँ विथ अ स्टॉप लॉस और अगर नेक्स्ट डे गलती से ओपन हाई हो जाता है तो विल आई विल एग्जिट ओके राइट नहीं तो मैंने बहुत बार ये देखा है इसके बाद जो है ना मार्केट ऐसे ऊपर चला जाता है नेक्स्ट डे बेसिकली पहले हम क्या करते थे कि ब्रेकआउट के ऊपर कैंडल का क्लोज देखते थे तो जैसे मान लो ब्रेकआउट के ऊपर कैंडल ने क्लोज दिया फिर उसका हाई क्रॉस करेगा ना तब हम बाय करेंगे ओके, तो आप, 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 आप देखिए बहुत सारे में आप देखिए अगर आपके रेजिस्टेंस के पास में आपको ओपनर लो नियर बाई मिल जाता है और फिर ये मिल दूसरे दिन अगर ये मिल जाता है तीसरे दिन तक कई बार तो वापस नीचे आने की तैयारी कर लेता है जहाँ पे आप अपना पार्ट प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो और अपने पोजीशन को स्टेबल बना सकते हो हमको लगता है कि वो फेक ब्रेकआउट हम उसमें फंस जाते हैं और ऐसा होता भी है वो फेक बन के और हमको फंसा के निकल जाता है तो ऐसे ट्रेड्स को अवॉइड करना चाहिए इन जनरल देखिए ये वाला अगर पकड़ में आए थोड़ा सा ले सकते हो ओके यहाँ पे क्लोज हुआ अब इसका हाई क्रॉस किया तो आपको फिर से लेना है तो लो नहीं तो पार्ट प्रॉफिट बुक करके क्या करना है सबसे पहले मेरा स्टॉप लॉस एरिया को कवर करना है मतलब ये मेरा स्टॉप लॉस है मैंने यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लिया अब ये अगर स्टॉप लॉस हिट कर देता है मेरा ये वाला पोर्शन तो मेरे कैपिटल जो है ना वो मतलब बहुत ही नॉमिनल उसको डिस्टर्बेंस आएगा सो दिस इज अ एक्चुअल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कि मैं अपना स्टॉप लॉस का जो पैसा है ना वो पहले निकाल लू okay. फिर सेकेंड स्ट्रेटजी मेरा कैपिटल फ्री करूं और फ्री के शेयर भले ही मैं हमेशा के लिए रख लूंगी hmm. अगर वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है तो सही है तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये बैंक निफ्टी का चार्ट है आप देख रहे हो बैंक निफ्टी ने जब ये रेजिस्टेंस का एक लेवल बनाया था फिर जब इसको क्रॉस किया फिर यही सपोर्ट बन जाता है जनरली जो रेजिस्टेंस है वो ही सपोर्ट बन जाता है okay. अब मार्केट यहाँ पे क्लोज का हुआ था लेट अस फॉरगेट आर एस आई फॉर द टाइम बी जस्ट लुक एट कैंडल्स आप यहाँ पे देखिए जो भी आपको ओपन हाई लो क्लोज देखना है आप यहाँ पे देखिए ओके okay. यस yes. तो क्या था क्लोज क्लोज में फोर फाइव जीरो वन फाइव राइट ओपन ओपन फोर फोर ट्रिपल फोर एट नाइन गैप डाउन ओपन लो है एंड कोइंसिडेंटली एक पॉइंट का भी फर्क नहीं है ओपन और लो के बीच में हम्म यस मैम इट इज सेम सो आई विल कॉल दिस एज ओपन एंड लो यस राइट तो ये हो गया गैप डाउन ओपन लो इसके नीचे का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा हम्म hmm. और ये मैं बाय कर सकती हूँ बिकॉज सपोर्ट के पास में यस सेम डे कितना ऊपर तक जाके आया ओपन का हुआ था फोर 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 एट नाइन हर हाई क्या है फोर फाइव फोर एट फाइव हजार पॉइंट बैंक निफ्टी सेम डे yes. क्या आसान है लेना और ये लेना भी इतना आसान नहीं है अगर मैं बोल भी दूं ना तो थाउजेंड पॉइंट्स कैप्चर करना भी आसान रहेंगे इसको या तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या कॉल खरीदते जाओ स्प्रेड बनाओ अगर हजार पॉइंट है मैं कहती हूँ तीन सौ चार सौ पॉइंट भी अगर आप इसमें से ले जाओ तो बहुत बड़ी बात है ओके कहने को हज़ार है बट मिला कहाँ से मुझे वो जो हमने लाइन ड्रॉ करी है रेजिस्टेंस की सपोर्ट की और गैप डाउन ओपन लो हाँ सपोर्ट पे गैप डाउन ओपन लो तो और दिन कौन सा है वेडनेसडे मतलब एक्सपायरी एक्सपायरी डे वीकली एक्सपायरी यस मैम वैसे मैं एक्सपायरी स्ट्रेट करना बंद कर देती हूँ okay. क्योंकि एवरी डे एक्सपायरीज हो रही है फ्रेंड्स और उस चक्कर में बैंक बैलेंस एक्सपायर हो रहा है तो यह चीज दिखी अब कंट्रोल होता नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में मैं नेक्स्ट वेडनेसडे का कर लूँगी लेकिन आज का नहीं करूँगी इसे मैम एक्सपायरी डे स्ट्रेटजी कंसीडर कर सकते हैं मतलब मैं नहीं करूंगी कर सकते हैं लेकिन मैं एक्सपायरी के दिन का ट्रेडिंग बंद कर चुकी हूं कब से जब से डेली एक्सपायरी स्टार्ट हुई है जाते हुए जुलाई 2023 ओके okay. और ये मैं बहुत जगह है और हर बार बोल चुकी हूं अब डेली एक्सपायरीज हो रही है और इस डेली एक्सपायरीज के हीरो ज़ीरो के चक्कर में कहीं मेरी बैंक बैलेंस की एक्सपायरी ना हो जाए इसलिए स्टॉक ट्रेडिंग डेली एक्सपायरीज तो मैं जो है डेली एक्सपायरीज अब ट्रेड नहीं करती हूँ यहाँ पे मुझे जो दिखेगा इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीक का कर लूंगी नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी एक बार okay. ले लूंगी मूवमेंट तो दोनों जगह आएगी ना ठीक है

तो मैं नेक्स्ट वीक का मैं फोर्टी फाइव थाउजेंड का भी ले सकती हूँ फोर्टी फाइव थाउजेंड का भी ले सकता हूँ ओके मैम तो हाथ में थोड़ा टाइम तो रहेगा एग्जैक्टली exactly. अभी नेक्स्ट वीक की अगर मैं बात करूँ तो वन टू थ्री फोर ये आया है नेक्स्ट वीक तक हो गया ना मेरा काम कितना गया है फोर्टी सिक्स वन एटी इतना तक तो मैं भी क्या कोई भी नहीं रुकेगा स्ट्रेटेजी yes. Strategy बना के भले रुक जाओ लेकिन अगर ये आज का आज करती तो मुझे आज ही निकलना पड़ता कल क्या मैं वापस इसको लेती ओपन नहीं।, नहीं लेती फिर वापस छूट जाता करते करते पूरी रैली छूट जाती ऐसा होता है बहुत बार और मैम उसमें तो अगर एक्सपायरी है तो डीके का स्पीड भी बहुत ज्यादा तेज होगा तो होगा ही तो इसमें क्या है कि एक्साइटमेंट जो है ना सच्ची पूछो तो यहाँ पर है हाँ वो जो एक्साइटमेंट है ना ट्रेडर्स का एक्सपायरी ट्रेडिंग का वो यहाँ पर है यस मैम ट्रू एकदम पैसा कमाने बैठे हो कि एक्साइटमेंट लेने पैसा कमाने ही सब तो बैठे तो बैठे आई विल गो फॉर दिस ओके मैम एक्साइटमेंट बहुत ले लिया एक्साइटमेंट के लिए आई कैन गो टू सी एडवेंचर्स गो टू

कि सबको वो इंस्टेंट मनी चाहिए ही चाहिए चलिए इसी पे मैं आपको एक सच्चे सच्चे बात बताती हूँ चाहे से आप जोक के रूप में ले लो चाहे रियलिटी के रूप में आपने भी सुना होगा मैंने सुना है सबने सुना होगा गांव से कई जगह से लोग भाग के बॉम्बे आते हैं हीरो बनने के लिए एक्टर बनने के लिए कितने लोग हीरो बनते हैं मुश्किल से करोड़ों में एक तो और उसमें से भी सुपरस्टार और सुपर हीरो कौन बनते हैं और ही कम मतलब बहुत ही कम चांसेस है और कितने लोग होते हैं जो जीरो के जीरो रह जाते हैं कुछ नहीं बनते हैं डिप्रेशन में चले जाते हैं गांव वापस लौट जाते हैं मेजोरिटी मैम सबकी यही हालत है मेरे को तो लगता है तो जीरो हीरो का मतलब यही होता है Hmm. यहाँ पे भी जीरो हीरो में आज फिफ्टी टू वीक्स अगर आप जीरो हीरो करते हो और अब तो ऑलमोस्ट टू हंड्रेड एंड सिक्स जीरो बनेंगे बाकी के जीरो ही तो एक... आपको उसी हिसाब से काम करना पड़ता है मैम एग्जाम्पल काफी ज्यादा रिलेटेबल है क्योंकि हम आसपास भी देखते हैं कि वो सुपरस्टार वाली कैटेगरी में कोई एक दो ही पहुंच पाते हैं और बाकी सारे वो जो एक स्ट्रगलिंग वाला जो रहता है उसमें रह जाता है तो दस रुपए में अगर आपने ऑप्शन खरीदा या बीस रुपए में ऑप्शन खरीदा तो ज्यादा से ज्यादा चालीस पचास में निकाल दोगे वो 400-500 तक थोड़ी रुकोगे आप सुपरस्टार बनने तक अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आई एम श्योर आप मार्केट में सक्सेसफुली ट्रेड करना चाहते हो अलग अलग टाइप के कैंडलस्टिक और चार्ट पैटर्न समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही पैटर्न्स आपको सही एंट्री और एग्जिट लेने में हेल्प करेंगे

आगे बढ़िए hmm. देखिए ऐसा है ये स्ट्रैटेजीज ऐसी है इज ओपन टू ऑल जो मैं देख रही हूँ वो सबको दिखता है बट ओनली थिंग इज मैं थोड़ा सा गाइडेंस कर देती हूँ बाकी तो आपको ही प्रैक्टिस करके आगे निकलना है आई एम जस्ट गिविंग यूर गाइडेंस अच्छा बहुत सारे व्यूअर्स का ये आ रहा है कि मैं एक ही स्ट्रैटेजी पे क्यों नहीं स्टिक होती हूँ अलग अलग स्ट्रैटेजीज क्यों बताती रहती हूँ भाई रिक्वेस्ट है डिमांड है बताती हूँ और हर मार्केट सिनेरियो पे अलग अलग स्ट्रैटेजीज वर्क करती है तो मुझे जितनी आती है वो मैं सारी सिखा दूंगी और सिखाऊंगी ही सिखाऊंगी तो इसलिए माई व्यूअर्स अगर आप लाइक like करेंगे और कमेंट करेंगे तो मुझे ये पता चलेगा कि आपको कौन सी मेरी स्ट्रैटेजी पसंद आई है क्योंकि लाइक और कमेंट के थ्रू ही तो हम बातें कर सकते हैं तो उस पर मैं एडवांस वर्जन वीडियो बनाऊंगी और अब हमने तो एक और चीज़ कर ली है कि मैं और हमारी टीम बैठ के जो क्वेरीज आप डालते हो उसके ऊपर हम सब क्वेश्चन ले और उसी पर रिप्लाई करने के बदले में हम उसके वीडियोस बनाएंगे जिससे आप ही नहीं और भी बाकी लोग भी उन चीज़ों का मतलब समझ सके मैम इसी बात से मुझे भी एक चीज़ याद आई है कि ये डेटा पॉइंट से हीरो जीरो वाले से मैम हमारे व्यूअर्स भी वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो ये एक और डेटा हमारे यूट्यूब ने भी दिया है कि सेवेंटी परसेंट लोग जो हैं जो हमारे वीडियोस देखते हैं रेगुलरली देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो जो भी अगर ये वीडियो देख रहा है और आप डेली देखते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए ये दिख रहा है ओपन हाई यस मैम कौन सा दिन है मैम वेनजे एक्सपायरी डे ओपन और हाई सेम है यस yes. पैसा टू पैसा यस। yes. ओके okay. अगर मैं इसी दिन करती फिर मजा आता नहीं। आता? नहीं। बिल्कुल आता क्यों कितना डिफरेंस है ऑलमोस्ट सेवन एट हंड्रेड पॉइंट का डिफरेंस है यस। yes. लेकिन मैंने क्या कहा मेरी आदत क्या है नेक्स्ट वीक की करने next की नेक्स्ट एक्सपायरी तो थर्सडे फ्राइडे मंडे

ये ये पे वो रोल करके क्योंकि ये आप करते हैं उसके बाद ये वाला आप छोड़ देते हैं ये छोड़ डेल्टा तो मेरे फेवर में है yes. आपको ग्रीक्स वाला वीडियो करवाया था ना यस yes, उसमें डेल्टा थीटा ये सब किया हुआ समझाया था ना यस एंड याद नहीं है तो देख लेना मैम मेरे को याद है जिनने अगर नहीं देखा है जिनको ऑप्शन ग्रीक समझना है तो यहाँ ऊपर आई बटन है तो उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो पे जा सकते हैं ठीक है अब ये देखो ये एक मैंने सप्लाई जोन बनाया है जब भी प्राइस यहाँ पे आती है अटक जाती है राइट दिख रहे नियर बाय फोर एट जीरो थ्री फाइव कितना है ये? 48, जो अपने supply zone बनाया है, ये? जो बनाया इसको थोड़ा सा आप और समझा सकते हैं मुझे. मैंने इसका वीडियो बनाया है आपके यहाँ एडिटिंग में है शायद अभी जल्दी रिलीज हो जाएगा ठीक okay. है फिर मार्केट वापस ऊपर गया hmm. अभी मार्केट वहां से नीचे आया कैन यू सी अगेन देखो सप्लाई जोन में है गैप अप ओपन हाई है, हा? हाँ. है बाहर नहीं निकला आज फिर से सप्लाई जोन में गैप अप ओपन हाई बनाया मैम ये red के पहले इसके पहले भी रेडल है और से red... अच्छा ये दो क्लोज कितने पे हुआ मैम फोर सेवन नाइन टू फोर में और ओपन कितने पे हुआ फोर एट टू डबल नाइन तो okay. gap up हुआ ना देखो ये जो है ना यहाँ पे क्लोज होता है और ओपन यहाँ पे हुआ है है तो और और मतलब नियर बाय जैसा भी तीन पॉइंट तो है तीन पॉइंट तो बैंक निफ्टी में क्या है तीन पॉइंट कुछ नहीं अच्छा कल भी इसके अंदर ही बंद हुआ आज भी इसके अंदर बंद हुआ तो मतलब या तो ये साइडवेज है या पर कल ये ऊपर जा सकता है नीचे जा सकता है मुझे नहीं मालूम लेकिन ऐसी सिचुएशन में मैं पोजीशन घर पे नहीं लेके जाऊंगी ओके दिस विल बी अ प्योर इंट्राडे ट्रेड फॉर मी तो अगर मैंने ले लिया भले नेक्स्ट एक्सपायरी कर लिया हुँ. जाते जाते कट करके जाऊंगी ओके okay. ऐसे टाइम में पोजिशनल अपन ट्रेड लेके नहीं रखेंगे ऐसे okay. में पोजिशनल ट्रेड लेके नहीं रखूंगी

कम मत करो 60, 65, जिस जब ये 50 के नीचे आने लगे ना तो बंद कर दो मतलब okay. now this strategy is not working. मतलब मार्केट स्मार्ट हो गया मार्केट स्मार्ट स्मार्ट हो हो ओके ओके तो लाइक और कमेंट करें तो इसका एडवांस वर्जन भी आ जाएगा ओके okay? अभी यहाँ पे आप देख रहे हो जब भी ये देखिए गैप अप उप ओपन हाई Yes. ये भी गैप अप ओपन लाल में लाल यहाँ पे yes. बंद हुआ यहाँ राइट ये ओपन एंड हाई नियर बाय फोर्टीन पॉइंट अगेन ओपन एंड हाई नियर बाय थर्टी फोर देख लो एक ही दिन में mm. मजा आ गया तीन सौ पॉइंट नीचे राइट mm. right? और क्या चाहिए ओपन हाई गैप अप ओपन हाई ओपन हाई राइट अब ये है एक डिमांड जोन जब भी मार्केट ये लेवल पे एक सपोर्ट लेता है तो हम ये कैंडल के हाई लो के हिसाब से जो बाजार पे डिमांड डिमांड आई है, है? उसको एक जोन बना देते हैं, ठीक है? मुझे ओपन हाई मिला था लेकिन इसके नीचे बंद नहीं हुआ इसलिए मैंने इसको कैरी नहीं किया नहीं। उसके बाद यहाँ पे ओपन लो तो नहीं मिला नहीं है ना ओपन लो नाइन थर्टी टू और उसके बाद गैप डाउन ओपन लो है क्योंकि बंद यहाँ पे हुआ ओपन hmm. यहाँ पे हुआ huh. तो गैप डाउन हुआ गैप डाउन ओपन लो सिर्फ थर्टी फोर्टी पैसे का डिफरेंस है hmm. उसके बाद देखो कंटिन्यू मार्केट अपसाइड और उसके रेजिस्टेंस के पास में मुझे ओपन और हाई दे रहा है नियर बाय व्हाट शुड आई से तो यहाँ शॉर्ट करना बनता है ना फिर तो गारंटी मार्केट की मत लो यू नेवर नो ओके यस सो दिस इज हाउ वी वर्क एकदम सिंपल है इसके बावजूद मेरे भी स्टॉप लॉस हिट होते हैं ऐसा नहीं है कि मेरे स्टॉप लॉस हिट नहीं होते होते बट स्टॉप लॉस हिट होते हैं मैं कर देती हूँ उस वक्त मुझ में जरा भी दया ममता नहीं होती है स्टॉप लॉस हिट करने में क्यों कि अगर मैंने स्टॉप लॉस हिट नहीं किया और उसके बाद वो मेरा बड़ा पैसा ले गया तब मुझे कौन बचाने आएगा hmm. बहुत बार ये भी होता है कि स्टॉप लॉस हिटों के टारगेट अचीव होता है बट रूल एक बार डिफाइन कर दिया ना तो रूल इज अ रूल आई विल नॉट ब्रेक द रूल दिस इज माई बिजनेस रूल अंडरस्टूड और मैम जैसे इसमें वो बीच वाली सारी कैंडल्स जो है वो हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास में नहीं है बट फिर भी हम उनमें एक छोटा क्वांटिटी ट्रेड करके हमारा ट्रेड कैप्चर कर सकते हैं कर सकते हो नॉट अ प्रॉब्लम बट स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड मत करना यस yes, मैम आज फिर देख लो ये जो लेवल है राइट इफ यू सी दिस लेवल इज ऑलमोस्ट अ सप्लाई जोन कंटिन्यू मार्केट यहाँ पे देखेंगे अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ भी ड्रॉ करें तो जब भी इस लेवल के पास में आया है मार्केट राइट right? hmm. एक दो तीन चार पांच वापस देखिए यहाँ पे जो रुका है hmm. सीधा गैप डाउन ओपन दिया है है याद भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि रेजिस्टेंस के पास ओपन लो hmm. उसका रिवर्स सपोर्ट के पास ओपन है विथ वॉल्यूम्स अगर hmm. हो जाए तो मार्केट दूसरे दिन ऐसे ऊपर जाके और फिर करता है ये समझाया था ना यस yes, मैम तो अब यहाँ पे उसका रिवर्स देख लो एग्जैक्टली exactly यहां पे राइट इट इज नॉट अ प्रॉपर ओपन हाई 50 पॉइंट्स का करीब डिफरेंस है hmm. 40 50 पॉइंट्स 50 पॉइंट्स रफली डिफरेंस है बट रेजिस्टेंस के पास है यू कैन ट्रीट इट एंड सी द गैप डाउन ओपनिंग और दाब नोम ट्रंप ये देखो ये एक हमारा सप्लाई जोन है ना जो हमने बनाया था hmm. मार्केट हमेशा देखो यहाँ पे रहेगा और इसी के अंदर घूम रहा है जैसे इसको ब्रेक किया ध्राम से नीचे धाम 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 आज भी ओपन और हाई बनाया नीचे लेके आया इसके लेवल के ऊपर सप्लाई जोन के ऊपर बंद नहीं हुआ hmm. टिका भी नहीं वहां पे तो क्या लगता है तो लेट्स सी आगे का सीन जब तक ये वीडियो रिलीज होगा पब्लिक भी देखेगी यस ओके सो दिस इज हाउ ओपन हाई ओपन लो कैंडल्स वैल्यू फॉर मी तो मैम लेकिन हम इतना वेटेज दे क्यों रहे हैं गैप अप ओपन हाई और गैप अप ओपन लो को गैप अप ओपन हाई का मतलब क्या होता है मार्केट गैप अप क्यों खुला कुछ पॉजिटिव न्यूज़ होगी हाँ तो कल रात को या कल शाम को ग्लोबल मार्केट्स के हिसाब से यहाँ पे कोई पॉजिटिव न्यूज़ होगी यस इसलिए मार्केट गैप अप ओपन हुआ हम hmm. फिर ऐसा क्या हुआ कि ओपन होते ही सेलिंग प्रेशर आ गया मतलब वो जो पॉजिटिव न्यूज़ थी वो नेगेट हो गई हम hmm. और जो लोग बाइंग करने जा रहे थे तो ऊपर से सप्लाई आ गई कंटिन्यू यस तो इसका मतलब वो न्यूज में या तो दम नहीं था या लोग उस न्यूज का वेट कर रहे थे कि वो न्यूज आके मार्केट ऊपर आए तो हम सेलिंग करें तो हम ये देख रहे हैं कि न्यूज नेगेट हो गई अगर ये गैप अप होके ओपन लो बन के ऊपर चला जाता मतलब पॉजिटिविटी थी आप ये देखिए यहाँ पे गैप अप ओपन लो हुआ ऊपर गया गैप अप ओपन लो ऊपर गैप अप ओपन लो ऊपर गैप अप ओपन हाई क्यों बनाया मतलब वहां पे सेल आ गई सेलिंग प्रेशर आ गई जो पॉजिटिव न्यूज थी वो निगेट हो गई वैसे ही जब गैप डाउन होता है मतलब मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज थी जिसके कारण मार्केट गैप डाउन खुला है hmm. और जैसे ही गैप डाउन हुआ बायर्स आर रेडी टू बाय मतलब वो न्यूज भी नेगेट हो गई चेंज hmm. हो गई न्यूज और बायर खड़े हो गए वहां पे उन्होंने बाय करना शुरू कर दिया okay. तो इसलिए नहीं तो अगर गैप डाउन है और गैप डाउन के बाद ओपन हाई होता है तो मार्केट गिरना चाहिए ना hmm. लेकिन ओपन लो हो गया मतलब बाय आ गया हाँ तो बेसिकली ये जो भी न्यूज आई थी वो एब्सॉर्ब हो गई हाँ मार्केट में राइट right. तो हम उसका वेट करते हैं कि अगर न्यूज एब्सॉर्ब होके रिवर्सल चली जाती है hmm. तो चांसेस अच्छे होते हैं। जल्दी हम वापस से मिलते हैं कोई नई स्ट्रैटेजी साथ में सीखते हैं और लोगों को सिखाते हैं और आप सभी को इसमें कोई भी अगर डाउट है जो मैं शायद कवर ना कर पाया हूँ तो आप इस कॉमेंट सेक्शन को यूज करिए और आपके सारे डाउट्स लिखिए ताकि मैं आगे की सीरीज में उसे कवर करने का ट्राई करता हूं तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए थैंक यू नमस्ते